सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं मनोज कुमार नमस्कार भाई नमस्कार अर्पित गुप्ता नमस्कार सुबोध रावत राधे राधे प्रमोद हलो अजीत चौहान महादेव भैया सुवेन्द्र गंगवार राम राम भाई अंकिश शर्मा नमस्कार विपिन चौधरी कल्याण निगंजन गुड नाइट भाई संदीप जय हिंद भाई प्रमोद भगद्वाज नमस्कार भाई सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं राना विवेक नमस्कार भाई अविनेश कुमार राम राम भाई शब्बीर आलम नमस्कार भाई कल्याण निगंजन जी नमस्कार नमस्कार भाई देवेंद्र प्रताप यादव नमस्कार भैया तो चलिए सभी साथियों को नमस्कार कुछ जैसे कि आप सभी को मैंने अभी पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया था कि नौ बजे लाइव रहेंगे और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ग्रुप पर पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को यह अवगत करा दिया गया था कुछ इसके भर्ती में उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती में जैसे लगभग एक लाख अड़तीस उनतालीस हज़ार फार्म पड़े हुए हैं उसमें से कुछ फर्जी लोग भी आवेदन कर दिए हैं मेन लाइव में, में इसीलिए आया और आज का दिन भी हमारी टीम लगी हुई थी इसीलिए कि मतलब जो ये फर्जी भाई लोग आए हुए हैं इनको बाहर किया जाए जिससे कि योग्य लोगों का भर्ती में सलेक्शन हो सके और तो पहले तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो ये फर्जी लोग आ रहे हैं इन लोगों को शासन स्तर से कोई ऐसा निर्देश जरूर आएगा गाइडलाइन जरूर आ जाएगी जिससे कि हम लोगों को ऐसी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि जैसे ये स्वतः ही बाहर हो जाएंगे और मामला पहले से ही संज्ञान में था हम लोगों के और ऑलरेडी जो इस बैच में थे तो उन लोगों को बाहर करने का प्लान पहले से ही चल रहा था हालांकि सरकार ने स्पष्ट ऐसी अपने जियो में कोई गाइडलाइन नहीं जागी गाइडलाइन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया है या जियो में भी नहीं रखा है हमें तो नहीं दिखाई दिया और कुल मिला जुला के अब उसका कहने का मतलब ये है कि जो जिले में हमारी चयन समिति रहेगी निर्धारित करेगी कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है और जो जिले की चयन समिति होती है वही निर्धारण करती है कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है तो इस बारे में चर्चा और परिचर्चा के लिए आपके सामने देखिए आपको पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया गया था <coughs> नरेंद्र शुक्ला जी नमस्कार भैया बड़े भाई साहब को तो पहली तो बात मुद्दे की हम कर लेते हैं कि आज जो भी दो चार दिन से हम लोगों के बीच में प्लानिंग चल रही थी क्या चल रही थी और आप लोगों की कुछ मैं पोस्ट भी देख रहा हूँ कुछ आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो क्योंकि देखिए हम लोग बराबर वकीलों के संपर्क में रहते हैं जो उचित होता है जहाँ देखते हैं कि आता है एक नहीं आपने देखा है बहुत सारे वकील रखे गए हैं सभी वकीलों से सलाह होती है उस पर भी आगे ध्यान दिया जाता है जिन मुद्दों पे कोई बात नहीं बनती है उन मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जैसे कि हाँ तो जो भी मुद्दा है देखिए देखता हूँ तो देता हूँ थोड़ा मेरी एक आदत है स्पष्ट बात करने की एक लाख अड़तीस उनतालीस हजार जो आवेदन हुए हैं इनमें से कौन फर्जी हैं कौन वास्तविक में रियल हैं कौन रियल नहीं है तो इसमें देखिए जो आज हम लोग एक याचिका फाइल कर रहे थे याचिका का मेन टारगेट ये था कि इस भर्ती में बीटीसी 2015 बैच जिनकी कैदी वो लग गई थी लगभग 26000 लोगों की पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है उस मतलब उसको सबसे पहले जो चैलेंज करने के लिए जा रहे थे वो बी टी सी दो बैच के ही लोग चैलेंज करने जा रहे थे जिससे कि हम लोगों ने हाथ पीछे खींचा हुआ था अब आप लोग ऐसा पोस्ट पे लिख रहे थे आप लोगों को पहले कदम उठाना चाहिए था तो दोस्तों देखिए ये बात जो बी टी सी ही ये लोग जानते थे उनकी हकीकत क्या है हम लोग उनकी हकीकत नहीं जान रहे थे तो इसलिए जब बी टी सी दो गया चैलेंज करने के लिए उसने फिर नहीं चैलेंज किया क्या कारण रहा क्या कारण नहीं रहा उसने अवगत कराया ऐसा स्पष्ट अवगत नहीं कराया कि हम चैलेंज नहीं करेंगे लगे हुए थे लोग चैलेंज करेंगे अंततः उन्होंने ये सोचा कि हम अपने घर में ही लोग बी के लोगों को बी के लोगों से ही बगावत करना बेटर नहीं लगा हमें लगता है इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को तूल नहीं दिया और उन्होंने चैलेंज नहीं किया तो ये चीज़ तो हम खास कर देखते आए हैं कि पहले तो जैसे शिक्षा मित्र थे जो नब्बे सत्तानवे पास थे वो लोग कहते थे हम अपील लाएंगे हम लोग कह रहे थे कि आप लोग फेवर में लाइए नब्बे सत्तानवे में ये लोग भी कह रहे थे नहीं बाहर करने के लिए जो फेल वाले हैं हम एक रिट पिटीशन इलाहाबाद में दायर करेंगे लेकिन अंततः ये लोग इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि मैं इन लोगों को बाहर करूं और राजनीति करते हुए इन्होंने अपने पैर वाह पीछे खींच लिए और लगभग सात से आठ हज़ार लोगों ने ऐसे लोगों ने आवेदन कर दिया जिनकी पीडीएफ हमारे पास अवलेबल है जो 26 या जा, 24 हजार पा, पास फेल थे उनकी पूरी पीडीएफ अवेलेबल अवलेबल है और आप लोगों से थोड़ी गुजारिश हमारी ये है कि बीटीसी 2015 बैच के ऐसे परीक्षार्थी जो आवेदन किए हैं और बीटीसी 2015 बैच के ही ऐसे परीक्षार्थी जो पहले से क्लियर पास थे वो अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनका डिटेल हमें सबमिट करें जो स्टेट सी पास हुए हैं और उन्होंने टेट किया है कहीं ना कहीं से वो सी अपनी सीट बर्बाद करेंगे 420 बीसी का मुकदमा होगा उनके ऊपर फाइल कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ एविडेंस के साथ फाइल कर रहा हूं जिससे लोगों की सीटें बर्बाद ना हो और लोगों से भी मेरी ऐसी गुजारिश है कृपया आप लोग सीट ना बर्बाद करें क्योंकि ए, 22 12 2018 का जो जी, जीओ था जीओ में अंतिम तारीख तक जिनके पास डिग्री कंप्लीट है वही इस भक्ति में आवेदन करने के योग्य हैं और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की अगर एक भी बैग लगी होती है उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाती है और जो बी टी बैच है उनकी जो कै वालों की जो मार्कशीट आई है वो अप्रैल दो की मार्कशीट आई है बहुत लोगों कई लोगों की मार्कशीट्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास इसलिए लोग विभिन्न जगह पे पोस्ट भी कर रहे थे यार काउंसलिंग में कैसे कराऊंगा मैं तो कैरी हुए थे बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं लेकिन तो उन लोगों से हमारी गुजारिश यही है कि मतलब कृपया ऐसा न करें कि जिससे उनका कैरियर खराब हो जाए और हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो है जो उस डेट तक एलिजिबल था वही अपने भर्ती में आए फॉर्म भर भर्ती में पार्टिसिपेट ना करें उसके साथ बी कैंडिडेट भी कुछ ऐसे हैं जिनकी डिग्री कम्प्लीट नहीं हुई थी उन लोगों के को भी मतलब मैं पार्टी बनाया हूं और कुछ सी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अंतिम डेट तक रिजल्ट नहीं आया था और उन्होंने आंसर की आ गई थी आंसर की के अप्रॉक्स में उन्होंने नंबर भर करके और सुपर टेट का फॉर्म भर दिया है तीन मुद्दे हमारे पास हैं मेरी एजेंसी लगी हुई थी जल्द से जल्द हमारी आज ही फाइल हो जाएगी रात में या क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग चल गई संभवतः कल फाइल हो जाएगी सोमवार या मंगलवार को ही करानी है और उन पर स्पष्ट आर्डर हो जाएगा और सभी भक्तियों का नियम होता है भक्ति में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको भक्ति के विज्ञापन की अंतिम तिथि तक उनके पास समस्त डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए मतलब कैगरी वर्ग नहीं होना चाहिए कैगरी वर्ग उसको बोलते हैं जो सेमेस्टर सिस्टम होता है उसमें किसी भी सेमेस्टर में एक बच्चे की जो फेल लग जाती उसको CP, carry, carry उसको है उसको सी पी कैगी पास पेपर उसको आगे प्रमोट कर दिया जाता है उसको कैरी वो लोग बी एस सी पहले कर रहे थे जो ईयरली सिस्टम था उनमें कैरी वर का सिस्टम नहीं होता था अब यहाँ पर जो बी है डिप्लोमा है बी ये जो आ गए हैं इनमें कैरी ओर का सिस्टम है जो लोग नहीं जानते उसको कृपया डाल लें तो ऐसे लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि कृपया भर्ती में पार्टिसिपेट ना करें अदरवाइज़ उनके खिलाफ तो आर्डर हम करा ही देंगे और वो फालतू में पाँच छः हज़ार सीट बर्बाद करेंगे चार सौ बी सी का मुकदमा भी होगा और बी टी सी दो हज़ार पंद्रह या और लोगों कैंडिडेटों से ये मेरी गुजारिश है ऐसे जो भी कैंडिडेट आप जानते हैं उनका डिटेल हमें सबमिट करिए और आप लोग इन लोगों को ध्यान दीजिए हो सकता है आपकी ही सीट खा गए हैं जो आप लोग लोअर बॉटम कैंडिडेट्स हैं बीटीसी के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मेरिट चौंसठ पैंसठ तिरसठ बन रही है वो लोग भी काफ़ी फ़ोन करते हैं तो कृपया वो लोग उनकी डिटेल हमें प्रोवाइड करें वैसे भी डिटेल हमारे पास कुछ लोगों की है लेकिन अगर आप लोग ऐसा कैंडिडेट जानते हैं कि उस कैंडिडेट ने सुपर टेट एग्जाम क्वालिफाई किया है और भर्ती में पार्टिसिपेट किया है इसका मतलब वो सीट ख़राब कर रहे हैं तो आप उनका कृपया हमें डिटेल अवेलेबल कराइए और अपनी हम रिटम पिटीशन में उनको भी जोड़ देंगे अदरवाइज वो सारा नाम पॉपुलर कर देंगे और उनके खिलाफ अगर वो भर्ती में जाते हैं चार सौ बीस की का मुकदमा लिखवाया जाएगा <laughs> हाँ और इसी मुद्दे से हम बात करते हैं कल मैंने एक ग्रुप में देखा था एक नेताजी बोल रहे थे मैं उनके बारे में थोड़ा भी खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ कि बोल रहे थे बीटीसी वाले 2015 पे केस करने जा रहे हैं और मेरे को उन पर विश्वास नहीं है तो मैंने तुमको एक नहीं बार बार कह दे रहा हूँ ठीक है कि तुम्हारी तरह बीटी बीएड टीम बेईमान नहीं है जो पैसा लेकर के मजे उड़ाए जा कर के और, और जो है और ना अपना वकील खड़ा करो ना तुम्हें पता चले बात करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी डींगे हार मारते हो और वकील खड़ा करने के लिए पैसा लेकर के जो है घूमते टहलते हो और वो शब्द भी मैंने यूज नहीं करना चाहता हूँ जो जो तुम लोग कहते हो सारे एविडेंसेस के साथ मैं रहता हूँ बिना एविडेंस के मैं बात नहीं करता हूँ कृपया बच्चों के साथ बच्चों का पैसा अगर बच्चों ने दिया है तो केस में लगाएं और केस के अंड कहीं पर खर्चा न करें तो <laughs> जो है बड़ी मेहनत से पैसा आप लोगों को देते हैं या हम लोग देते हैं दो दिन पहले चिल्ला गए थे बी लीगल टीम वकील नहीं ला गई यही डबल वन में भी चिल्लाते थे, थे तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि मतलब लोगों में अफवाह मत फैलाएं गलत अफवाह बी लीगल टीम पीठ पीछे छुआ नहीं भूकती है जो होती है वो सामने काम करती है और गलत काम नहीं करती है जैसे कि आप लोग बराबर इल, 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 आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं मैं पोस्ट डाला था पोस्ट पे लोग आते हैं चंदा चोग हो ये है वो है अरे तुमको नहीं विश्वास होता लखनऊ आ कर के देख लीजिए हम लोगों का अपना खुद का मकान है ठीक है क्या करेंगे चंदा चोगी करके क्या यहाँ ज़िंदगी बसा लेंगे ये लोग वही ऐसा काम करते हैं हमें तो लगता है जो फेल हैं मैक्सिमम लोग फेल हैं या मतलब वो इस भक्ति में पार्टिसिपेट नहीं करते वो तो घर में बैठे चार वर्ड लिख दिए ये हमारे साथ काम करिए तब देखिए आकर के उसके बाद मैं बात करता हूँ जो आज एक जो है काफ़ी बच्चों का फ़ोन आया कि सर शिक्षा मित्रों ने एक जो है आई फाइल कर दी हाँ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पैंतालीस हज़ार शिक्षा मित्र जो इस भर्ती में सुपर टेट एग्जाम दिए थे उसमें से आठ हज़ार एक कंडि आठ हज़ार अठारह कैंडिडेट पास हुए हैं बाकी उनको सबक्रैड करने पर सैंतीस हज़ार तीन सौ उनतालीस कैंडिडेट शिक्षा मित्र और हैं जो इस भर्ती में पार्टिसिपेट किए हैं तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में आइए फाइल की है कि इन लोगों की सीट रिजर्व कर दी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा शाम को आज जो है हमारे पास वकील का फ़ोन आया था हमारे ए का सर ऐसी ऐसी पिटीशन हमारे पास आई हुई है आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा क्या स्टेंट है बता दीजिएगा तो अभी इनको डायरी नंबर मिला हुआ अभी इसकी जो है लिस्ट नहीं हुई जब लिस्ट होगा तो बताया जाएगा फ़िलहाल ये सीट रिजर्व हमारे हिसाब से तो रिजर्व नहीं होंगी ये भर्ती के आगे बढ़ चुकी है अब इसकी तुरंत ज्वाइनिंग होगी हाँ उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा ये हाँ मेरिट की काफ़ी लड़के फ़ोन कर रहे हैं क्या मेरिट आएगी क्या नहीं मेरिट आएगी तो देखिए हमारा जो अपना पर्टिकुलर अनुमान है कि जो है जनरल की जो मेरिट है वो सिक्सटी नाइन होनी चाहिए ओबीसी की सिक्सटी सिक्स या सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव या सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव होनी चाहिए बाकी एस की तिरसठ चौंसठ होनी चाहिए इसके लिए अभी तक किसी के पास कोई फिक्स अनुमान नहीं जो भी डेटा आ रहा है लोगों से जो मिल रहा है सरकारी जल्द काम डॉट कॉम पर भी हमने लिस्ट देखी थी वो भी यही मिल गई है बाकी क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है और हाँ एक याचिका हम और ला रहे हैं दूसरी याचिका जो ला रहे हैं वो याचिका इसलिए ला रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हाई स्कूल इंटर में या नंबर गलत गलत हो गए हैं या रोल नंबर गलत भर गया है या डिग्री का नंबर गलत भर गया है या मतलब इनोलमेंट नंबर इस टाइप से करेक्शन की याचिका ला रहे हैं कि जिनके हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन में या ये लोग जो है टाइम के पहले डिग्री कंप्लीट कर लिए थे उनके गलती व फॉर्म में ऐसा करेक्शन हो गया है तो इनका करेक्शन माना जाए और इन मुद्दों पे लोगों से हम ये आग्रह करना चाहते हैं जिन लोगों में इस टाइप का करेक्शन है बीटीसी 2015 छोड़ के बी या जो अपेगिंग थे जो पहले से ही किए हुए हैं जिनका रोल नंबर गलत हो गया इन्वोलम नंबर डिग्री का नंबर या नंबर गलत भर गए हैं या कम ज़्यादा भर गए हैं तो ऐसे लोग जो हैं हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए भी हम याचिका ला रहे हैं इसके लिए याचिका लिखवाई जा रही है और जल्द ही दो तीन दिन के अंदर ये याचिका फाइनल हो जा दायर हो जाएगी कि जिन लोगों का वाकई करेक्शन है उनका करेक्शन किया जाए लेकिन बी टी सी या बी एड बैच है सोलह या सत्रह बैच है जो उस डेट तक जिनकी डिग्री कम्प्लीट नहीं हुई थी जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था या रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो उनके वो फेल थे तो ऐसे लोगों का करेक्शन बिल्कुल ना किया जाए ऐसे लोगों की मार्कशीट डेट के बाद की प्रिंट है प्रिंट डेट मतलब 22 22 बारह दो के बाद जिनका रिजल्ट कंप्लीट हुआ वो इस भर्ती में शामिल ना किए जाएं ये दो याचिकाएं हमारी आ रही हैं बाकी बात करते हैं काफ़ी लोगों के जो फोन आते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट में याची बनाना है तो एक लोगों को आपको हम स्टंट के लिए बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों का मेन मोटिव होगा कि जो बची हुई सीट है वो सीट जोड़ी जाए इसके लिए आगे हम पैक भी करेंगे और आगे हम लोग जो है मेन याचियों के लिए ही लड़ेंगे जो हमारे याची सहयोग किए हैं क्योंकि जो हायर नेगेटिव वाले हैं वो तो कभी सहयोग किए ही नहीं है पोस्ट चाहिए उनको डिटेल चाहिए फ़ोन करके ऐसे डिटेल पूछते हैं सर ये सर वो बता दीजिए लेकिन सहयोग के नाम पे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी टीम जो बची हुई बाईस हज़ार तेईस हज़ार सीटें हैं या इसमें जो अड़सठ उनहत्तर हज़ार में भी जो सीटें बचेंगी आपको ही पता होगा इसमें छः सात हज़ार सीट वैसे भी खाली रह जाएंगी जो किसी न किसी कैटेगरी की होंगी तो ये सारी जोड़ करके उनको भरने की प्लानिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग हमारी यही रहेगी कि जो है याचियों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा आगे किसी के पर्सनल के लिए मतलब जो ऐसे कैंडिडेट जो बाहर बैठे हैं उनके लिए लड़ाई नहीं लूँगा बिल्कुल यात्रियों के लिए लड़ूंगा संशोधन के बारे में आपको हमने बता दिया है कि जो है बी एल लीगल टीम जिनका वाकई हकीकत में संशोधन है उनको संशोधन के लिए एक मिनट जहाँ अर्जेंट कॉल आ गई है। मैं हेलो हम्म अभी पाँच मिनट बात करते हैं तो <laughs> हाँ तो जो जिनका वाकई संशोधन है गलत नंबर भर गए हैं ज़्यादा नंबर भर गए उनके लिए याचिका लाई जा रही है जो कैंडिडेट जिनके वाकई हकीकत में संशोधन है नंबर गलत भर गए हैं रोल नंबर गलत भर गया कुछ भी इस टाइप का है वो जो है टीम से कांटेक्ट करके आज या कल में सहयोग दे सकते हैं बाकायदा उनका नाम जोड़ दिया जाएगा काफ़ी लोग पहले से फोन कर गए थे लेकिन अभी तक जो है हमारी टीम में अंशु का खुद का करेक्शन है उनके हाई स्कूल में जो हाई स्कूल में जो नंबर है, 433 है, हैं चार सौ तैंतीस समथिंग है चार सौ तेरह भर गए हैं बीस नंबर कम भर गए हैं इसीलिए वो आज याचिका अंशुमान सिंह के नाम से आएगी और वो भी याचिका लिखवाई जा रही है जो भी कैंडिडेट का करेक्शन है इस टाइप का हकीकत का हाई स्कूल इंटर में नाम गलत हो गया फादर नेम गलत हो गया रोल नंबर गलत बढ़ गया है तो वो टीम के किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकता है ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करिए कि अंशुमान सिंह से संपर्क करिए और जो भी सहयोग हो सके अंशुमान सिंह को ही लाइव बन गया बीस पच्चीस मिनट का उसके बाद उड़ गया इसमें, इसमें क्या जो है लाइव आने का कहा आ रहा ये जगह सा आया है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू नहीं करना आ तो फिर से स्टार्ट हुआ हाँ तो साथियों देखिए पता नहीं क्या मोबाइल में मिस्टेक हो गई क्या प्रॉब्लम हो गई जिससे कारण जो है लाइव बीच में ही रुक गया था मैं बता देना चाहता हूँ आपको स्पष्ट कि जो बी टी सी बैच के फेल कैंडिडेट हैं या बी वाले अपेिंग कैंडिडेट सी वाले हैं इनके खिलाफ़ जो जो बाद में पास हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जो है याचिका लाई जा गई जिससे वो भर्ती में पार्टिसिपेट ना कर सकें और इसमें कोई ऐसी मतलब ये गलत चीज़ मानने वाली नहीं है कोई बी 2015 को बाहर करने के लिए आ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो कैंडिडेट फेल थे उन्हीं कैंडिडेटों के खिलाफ जो है याचिका लाई जा रही है कि जो उस डेट में डिग्री कम्प्लीट नहीं किए थे वही कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है उनकी जो मार्कशीट अप्रैल दो की आई है जिनका रिजल्ट बारह तारीख को आ गया था और कम्प्लीट पास हैं दैट इज़ वैलिड और शिक्षा मित्रों के लिए हमने पहले ही बता दिया था ऐसे शिक्षा मित्र जो है सैंतीस हज़ार तीन सौ उनतालीस सीट रिजर्व करने के लिए आर्डर मांगा गया है जो कि वैलिड नहीं है ना ही उनको सीटें रिजर्व की जाएंगी और कटे मतलब तो, उसकी मैं बात कर लेता हूं जो मेरिट की बात है हमने बताया जनरल उनहत्तर आनी चाहिए ओ बी सी छाछठ या साढ़े छाछठ साढ़े पैंसठ चाहिए एस सी तिरसठ चौंसठ चाहिए करेक्शन के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो है अंशुमान सिंह के नाम से एक नई याचिका लाई जा गई उनके हाई स्कूल में नंबर गलत भरे हुए हैं जिस कारण से एक नई याचिका अंशुमान सिंह के नाम से फाइल की जा रही है ऐसे लोगों का जिनका रोल नंबर हाई स्कूल में नाक्स हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन या ऐसे कैंडिडेट नहीं हो जिनका मतलब 22 बारह दो बारा के बाद रिजल्ट बाईस बारह 2018 के बाद रिजल्ट आया हो उन लोगों को शामिल किया जा सकता है शामिल रहना चाहते हैं टीम के किसी व्यक्ति से आप जो है संपर्क करना चाहते हैं बेटर होगा कि अंशुमान से संपर्क करें हाँ सुप्रीम कोर्ट में हम याचिक की बात कर रहे थे कि जो कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में याची बनना चाहते हैं उनका ढाई हज़ार रुपये शुल्क है वो आज याची बन सकते हैं भविष्य में ऐसे कैंडिडेट जो सुप्रीम कोर्ट में याची होने केस उन्हीं के लिए लड़ा जाएगा उन्हीं के लिए पैरवी की जाएगी ऐसे कैंडिडेटों के लिए पैरवी बिल्कुल नहीं की जाएगी जो सहयोग ना किए हुए हों और इससे पहले साथियों हमने जैसे मेरा लाइव लगभग बीस मिनट का बना था और कुछ करेक्शन के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो चला गया और लोग जो आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ लें और उसके बाद लाइव बंद किया जाता है क्योंकि ज्यादा लंबा लाइव बनाना नहीं चाहते हैं हाँ और एक सबसे बड़े क्वेश्चन आ रहा है कि बी एल लीगल टीम ने जो ये करप्शन हुआ है उसके खिलाफ याचिका क्यों नहीं डाली तो मैंने आपको इस पर बताना देना चाहता हूं कि जो करप्शन करे हुआ है उसके खिलाफ़ कोई ठोस एविडेंसेस नहीं थे अमिताभ ठाकुर से हमारी टीम मिलने गई थी मैं स्वयं वहाँ पर बैठा हुआ था उन्होंने हमसे आश्वस्त किया कि मतलब जो है मैं इस पूरी भर्ती परीक्षा को ही रद्द करा दूंगा आप ऐसा एविडेंस दीजिए जैसे कि आप बताते हैं आंसर की वायरल हुई थी तो जो है ऐसा एक हमें मोबाइल नंबर बताइए या जिसके पर आंसर की आई थी तो उसको मैं पार्टी बना लूँ फ़िलहाल मेरे पास ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं थे तो हम लोगों ने पीछे हाथ खींच लिया जिसको ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ़ पास जो है बहुत मजबूत एविडेंसेस हैं वो आगे आकर के अपनी पैरवी कर सकता है कोर्ट में केस लड़ सकता है और जो कोई भी हो जिला कोऑर्डिनेटर या कोई मेंबर हो ऐसा लगता है कि मतलब टीम इस मुद्दे पे काम नहीं करना कर गई तो मैं आपको इस पर बता देना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ टीम कोई काम नहीं करेगी नगेंद्र प्रताप जी भैया एस की बची हुई हाँ एस की बची सी सीटें जो हैं अकॉर्डिंग टू यूट कन्वर्ट हो जाएंगी इसके लिए प्रॉब्लम होने अखिलेश मिश्रा जी बाईस हजार पाँच सौ एडोर हाँ सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करेंगे कि जो बची हुई सारी सीटें सीटे, एक लाख सैंतीस सा, हज़ार सीटें थी उनको जो है ए, दो भर्तियों में करने का कहा गया था उन सारी सीटों को इसमें जुड़वाया जाए या भले याचियों को दी जाए पूरी कोशिश रहेगी ये सीटें याचियों को ही दी जाए बी वाले भी याची हाँ एक चीज़ और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं बीटीसी टी ऐसे कैंडिडेट जिनको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा वो आप लोग बीएड से पार्टी बनिए क्योंकि जो बीटीसी के नेता जब मेन पैरवी के दिन अपने वकील गायब रखते हैं तो आगे क्या पैरवी करेंगे आप लोग जान सकते हैं अब वो कहे चाहे जो कुछ मैं तो ऑनलाइन हेयरिंग देख रहा था मैं था विनय था पंकज तीनों लोग एक साथ बैठे देख रहे थे किसका वकील वहाँ उपस्थित था किसका नहीं उपस्थित था हम लोग जो बोले हैं वो एकदम हकीकत है आप लोगों के पास जो हकीकत आई वो कहीं ना कहीं अलग है क्योंकि जो भी वहाँ पार्टी होता है तीन लिंक मिलते हैं एक एवाल लेता है एक वकील लेता है एक पार्टी लेता है तो इसलिए कृपया जो है आप ऐसे कैंडिडेट से पार्टी बनिए जो सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा करें और भी टीमें हैं छोटी छोटी टीमें आ गई जो जैसे यहाँ डबल बेंच में वकील खड़ा कर गई थी रात में दिन रात ही वो दिन रात जो है ब्रीफिंग कराती थी वकील गायब रहते थे पांच क्वेश्चन का क्या होगा हमें नहीं लगता है क्वेश्चन का कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए अगर ऐसा करेक्शन बहुत मजदूर कोर्ट को एविडेंस लगा होता तो कोर्ट ऑलरेडी आर्डर कर देता आलोक क्या एस की सीट हाँ एस की बची हुई सीट कन्वर्ट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू रूल मोनू भाई बाईस हजार हाँ भाई मैंने पहले ही बता दिया बाईस हजार सीट जो है जुड़वाने का पूरा प्रयास करेंगे विकास कुमार सरोज हमें नहीं लगता कि इतना कम फिफ्टी नाइन ऑफ एस का आना चाहिए हमें इस नहीं लगता नगेन्द्र प्रताप भाई एस की सीट एस की सीट में पहले ही बताया कन्वर्ट कराई जाएंगी उसके बाद अड़सठ हज़ार पाँच सौ सेम पोस्ट एनओसी पर केस कीजिए भैया ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो अड़सठ हज़ार पाँच सौ के जो कैंडिडेट नौकरी कर रहा है वहाँ रिजाइन करके दूसरी जगह आ सकता है इस पर कोई केस हमारे पास कोई ऐसे साक्ष नहीं मिले हैं विजय प्रताप सर सुप्रीम कोर्ट में याची लिस्ट हाँ आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट यहाँ भर्ती यहाँ जब अभी भर्ती हो जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होने तक आपकी जो है याची लिस्ट फेसबुक माध्यम से मिल जाएगी परेशान होने कोई ज़रूरत नहीं है अर्पित याची कब तक बन सकते हैं भैया जल्द से जल्द आप लोग याची बन जाए जो भी बनना चाहते हैं ओबीसी बी बासठ पॉइंट टू ए हमें नहीं लगता कोई चांस है बाकी ऊपर वाला मालिक विकास सर एस की सीट मैंने पहले बता दिया ध्रू यादव कश कस, कश्मीर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पता नहीं मैं तो ऑलरेडी यूपी का ही पढ़ा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारी ज्यादातर डिग्रियाँ हैं दीपक याची लिस्ट आप याची लिस्ट मिल जाएगी काहे परेशान हो रहे हैं याची से कोई मतलब नहीं है देवेंद्र जी कह रहे हैं जनरल सिक्सटी फाइव के कोई चांस हमें तो नहीं लगता जनरल जो मेगा अपना अनुमान है सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट हो जाना चाहिए ओबीसी जो है पैंसठ के लगभग हो जाना चाहिए बाकी जब परसों लिस्ट आ जाएगी उसके बाद जो है पता चल जाएगा प्रदीप याची की रिट कब फाइल हो जाएगी भैया ड्राफ्टिंग में बहुत बड़ा लंबा समय लगता है जिसको बनना है वो बन जाए जो फाइल होती है फाइल होती रहेगी जय सिंह यादव याची के लिए क्या करना होगा भैया टीम से संपर्क कर लिए जो भी होगा आपको बताया जाएगा धनी से ओबीसी का कटाव मैंने बता दिया छाछट के लगभग रहना चाहिए बाकी अब की मर्जी दीपक गुप्ता गाजीपुर की हो भा... नहीं भैया गाजीपुर का नहीं हूँ मैं लखनऊ का लखनऊ में रहता हूँ लखनऊ में अपना आवास है शिवेंद्र प्रताप सिंह कहाँ कन्वर्ट होंगी कहाँ भैया आप जाने कहाँ ज़्यादा अगर आपको नॉलेज हो तो आप ममता गुप्ता सर बताइए फादर हाँ तो अरुण पीएच अब पीएच का जो भी होगा आ जाएगा रविशंकर भैया नमस्कार नमस्कार शैलेन्द्र कुमार एस सी साठ अब देखिए एस का हमारा तो अनुमान है इकसठ बासठ रहना चाहिए बाकी पता नहीं जितेंद्र उपाध्याय अंक पत्र नंबर गलत अंक पत्र नंबर मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिनका किसी प्रकार का करेक्शन है हकीकत में वो अंतिम डेट के पहले उनके पास योग्यताएं थी ऐसे लोगों के लिए एक याचिका लाई जा रही है अंशुमान सिंह के नाम से लाई जा रही क्योंकि उनके हाई स्कूल में नंबर ज़्यादा भाग थे और भागे कम गए बीस नंबर का डिफेंस आ रहा तो उनके नाम से खुद वो याचिका ला रहे हैं जिन लोगों को किसी प्रकार का हकीकत में करेक्शन है वो अंशुमान सिंह से या टीम के किसी कैंडिडेट से संपर्क कर सकते हैं और अपना नाम जुड़वा सकते हैं हाँ शिव कुमार कहें दो काउंसलिंग बिल्कुल दो काउंसलिंग होगी जो फर्जी लोग आ गए हैं इनको घुसने नहीं दिया जाएगा और ये जो फर्जी आए हैं 2015 बैच के जो जिनकी डिग्री कंप्लीट